अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएमएस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे हैं। और यहां के सीएमडी भारत एक्सप्रेस चैनल तो भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और फिल्म फेस्टिवल में भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपेंद्र राय जी इस कार्यक्रम में पहुंचे। समापन है, इसमें बच्चों ने 84 फिल्में देखी हैं और इसमें लगभग 6 फिल्मों को चुना गया है और इन फिल्मों को 10 लाख रुपए उपेंद्र राय जी अब तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर सीएमएस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है, जहां पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने यहां पहुंचे हैं, वो बाकायदे उनको वेलकम कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री उपेंद्र राय जी अब बैठने जा रहे हैं। जहां पहुंचे हैं उपेंद्र राय जी, उन्होंने बच्चों की तारीफ की और कहा कि बच्चों को हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। वो जिंदगी में जो हासिल करना चाहें वो तभी हासिल कर सकते हैं जब उन्हें खुला आसमान मिले। देखिए, ये बच्चों के लिए है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। करीब 1 लाख बच्चे इसे 9 दिन में देखते हैं। 2 शो रोजाना होते हैं, एक मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा 12 बजे से 3 बजे तक। तो बच्चों को किस तरह प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चों क्या मकसद है इसका? देखिए, जो गंदी फिल्में हैं, जो कॉमर्शियल फिल्में हैं, उन्हें देख करके बच्चों के मस्तिष्क विकृत होते हैं। इसलिए उन्हें स्वस्थ मनोरंजन मिले और अच्छा मनोरंजन भी और शिक्षा भी मिले, तो ऐसी फिल्में हमने 104 देशों से ये फिल्में आई हैं, तो इसमें 104 देश भाग ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक वेंचर है ये और ये सब टोटली फ्री है, इसमें कोई टिकट नहीं है और बच्चों को लाने ले जाने के लिए हम बसेस भी दे रहे हैं, तो बसेस हमारी जाती हैं, बच्चों को लाती हैं और फिर लौटाती हैं। और बच्चों को हम 5-5 रुपए का पैकेट भी देते हैं बिस्किट का एवरीडे हर बच्चे को, तो ये सब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। मेरे साथ में सीएमडी भारत एक्सप्रेस चैनल श्री उपेंद्र राय जी हैं। एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, इसमें 104 देशों के 600 फिल्मों को चिन्हित करने के बाद 84 फिल्मों को चुना गया, क्या कहना है? बहुत बड़ा आयोजन, क्योंकि 12वां ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाल महोत्सव है। सीएमएस का 4 साल से नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, अब ये 4 साल बाद 2019 का फिर हुआ है। ये बहुत गौरव की बात है लखनऊ के लिए और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, चूँकि इस तरह का आयोजन करता रहता है और 104 कंट्री से इतने बड़े पैमाने पे जो एंट्री आई है और 15,000 बच्चे आज इस ऑडिटोरियम में हैं और सिटी मॉन्टेसरी का नाम तो सबको पता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और एक शहर में 25,000 से ज़्यादा बच्चे जगदीश गांधी साहब के स्कूल में पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक फिनोमिना है, यह एक कल्ट है, कल्चर है जो इन्होंने अपने स्कूल में दिया है। मैं यहाँ आके अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और जगदीश गांधी साहब जैसे शिक्षाविद अगर देश में 1-2 और हो जाएं तो मुझे लगता है कि शिक्षा का की दिशा में बड़ा काम होगा और देश का कल्याण होगा। तो सीएमडी श्री उपेंद्र जी कह रहे थे बड़ा कल्याण कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे साथ में मिसेस गांधी हैं, जिन्होंने भी काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा नाम है मिसेस गांधी का। आपने बहुत छोटे शुरुआत की और आज बहुत बड़ा नाम है आपका, क्या कहना है? तो आपके सबके चरणों में रहती हूँ, मेरा काम है आपके बच्चे महान बने और महान बनकर के इस दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं तो लड़ाइयों को रोकें के बजाय लड़ाई होने ही ना दें, ऐसा मानस मैं तैयार कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर करीब करीब इस वक्त भी 61,000-62,000 बच्चे हैं, खाली लखनऊ में मैं ऑपरेट करती हूँ,
लेकिन मेरे बच्चे सारी दुनिया में जा कर के विश्व एकता के लिए काम करते हैं और विश्व की एक सरकार बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विश्व एकता के लिए बच्चे काम कर रहे हैं। श्री मनोज तोमर जी हैं जिनका काफ़ी जुड़ाव है सीएमएस के जगदीश गांधी जी के साथ में, और जगदीश गांधी जी को तब से देख रहे हैं जब वो पहला चुनाव लड़े थे और काफ़ी वोटों से जीते थे। क्या कहना है? क्षेत्र के हैं, अलीगढ़ के हैं ये गांधी जी और भारती जी, इनके लिए तो क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। पूरे जीवन जो मैंने देखा, कभी भी अपने लिए ना कुछ सोचा, ना कभी किया, ना कभी जो एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में जो धन का और संपत्ति का भोग करता है वो भी नहीं किया। सारा जीवन समर्पित कर दिया बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। इसी का नतीजा है कि जहाँ तक मुझे याद है, 5 बच्चे और 25 रुपए से शुरू करके आज ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल आप बना पाए हैं। रात दिन आज भी मुझे लगता है शायद 90-88 के आसपास गांधी जी और भारती जी की एज है, लेकिन इतना काम करते हैं कि शायद 90 में एक कम शायद 25-30 साल का लड़का लड़की कोई वो भी इतने मेहनत शायद नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से समाज को, देश को ऐसे समय में जब ये आज़ादी के बाद 15-20 साल बाद इस स्कूल की नींव पड़ी थी, बहुत ज़रूरत थी ऐसी संस्था की, और उसको कारगर सिद्ध करके दिखाया। ऐसे बच्चे आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सीएमएस के बच्चे अपनी रोशनी, अपने व्यक्तित्व की रोशनी, अपने प्रभाव फैला रहे हैं। बच्चे जो यहाँ के व्यक्तित्व की रोशनी है वो पूरे देश में फैला रहे हैं। मेरे साथ में स्वतंत्र मिश्रा जी हैं जो कि रिपोर्टिंग के उत्तर प्रदेश के बेताज बादशाह हैं। इनसे जानेंगे, इन्होंने सीएमएस को शुरू से देखा है, कवर किया है, क्या कहना है सीएमएस के बारे में? मैं यही कहूँगा कि सीएमएस जो सिटी मॉन्ट्रेस स्कूल है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, निश्चित रूप से गांधी जी की मेहनत, समर्पण, निष्ठा और विश्व एकता के कारण आज इस मुकाम पर पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बच्चे पूरा देख सकते हैं, 15,000 बच्चे लगातार 2 शोज देखते हैं। 84 फिल्में अब तक यहाँ पर दिखाई गई हैं और इन फिल्मों में 6 फिल्मों को 10 लाख से ज़्यादा का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर पूरे जिले के अलावा जो आसपास के जनपद हैं वहाँ से बच्चे लगातार यहाँ फिल्मों को देखने आ रहे हैं, इनको प्रेरणा मिलती है। तो जगदीश गांधी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाल महोत्सव 12वां फिल्म महोत्सव है और इसमें 4 साल से नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, और ये आज इस पावदान में पहुँच चुका है कि बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से। तो फिल्म महोत्सव जिसमें पहुंचे भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय जी, जिन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा देना इसका मकसद है। आपको बता दें कि अब तक 84 फिल्में इसमें दिखाई गई और 2 फिल्मों को 10 लाख से ज्यादा का इनाम मिल चुका है। इसमें 104 देश जो अब तक भाग ले चुके हैं। इतना ही नहीं, इसमें सभी बच्चों की फ्री एंट्री है, हर कोई यहाँ शामिल हो सकता है। बच्चों के लाने और ले जाने का खर्च भी फिल्म महोत्सव ने ही उठाया। साथ ही बताया गया कि इसका उद्देश्य है ताकि बच्चों को एक अच्छा मंच मिल सके, बच्चे यहाँ पहुंचे और अपनी प्रतिभा को निखार सके, ताकि बच्चे जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो उन्हें मौका मिले, एक मंच मिले, ताकि आगे की उड़ान उनकी आसान हो सके।